बेटा आप लोगों को होमवर्क था, क्वेश्चन वन का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन, क्वेश्चन वन का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन निकाल लो बेटा फट से। चलो अपने एग्जाम्पल देख लेते तब तक के। एग्जाम्पल्स कौन से थे होमवर्क में बेटा आपको? फोर्थ वाला होमवर्क था, एक ही था बस। यस, एग्जाम्पल फोर मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना? जैसे उससे आप लोगों को ये भी हो जाएगा रिविजन टाइप। बताओ कौन सी चीज़ क्या है बेसिकली, डिफरेंस बिटवीन नहीं कि आपको दो दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस विद एग्जाम्पल सीखने, वो नहीं, बट ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है ऐसा, ये चीज़ का एक रहता है। एक सही पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं वार्म अप के लिए। हाँ बेटा बोले बाकी वो इक्वेशन। हाँ बस क्या आगे प्लस माइनस कुछ नहीं, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स है मेरा, मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएट करता था इसको और फिर इक्वल टू जीरो कर देते थे इस चीज को अपन लोग, याद है? यहां से 12x कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब 12x x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो या तो x की वैल्यू जीरो हो रही है या फिर x की वैल्यू वन पॉसिबल है, ठीक है। पर अब मुझे ये नहीं पता है इसमें से कौन लोकल मिनिमा है, कौन कहते हैं लोकल मैक्सिमा है, या दोनों लोकल मिनिमास हो सकते हैं अपने गांव के, कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, अपन लोगों ने क्या किया अभी, डबल डिफरेंशिएट किया है तो हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 48 एक्स प्लस 12। देखो ये तो क्लियरली दिख रहा है, एफ डबल डैश जीरो डाल रहा हूँ तो आंसर 12 बच रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव बच रहा है, मतलब x इक्वल टू जीरो पे मुझे मिलने वाला है मिनिमा, ठीक है ना? और f डबल डैश क्या था, एक और नंबर मेरा वन हो रहा है 36 माइनस 48 प्लस 12 जो कि आ रहा है जीरो के बराबर। सर जीरो के बराबर आ रहा है तो हाई लाइकली है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, इसके लिए मेरे को ट्रिपल डैश x निकालना पड़ गया। f ट्रिपल x कितना हो जाएगा, 72x माइनस 48। अब इसमें मैंने डाला वो वाला पॉइंट तो आंसर आ गया 72 माइनस 48 विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर सेकेंड डिफरेंस डालने पे भी जीरो आ रहा है बट थर्ड डिफरेंस डालने पे जीरो नहीं आ रहा है तो ये क्या होता था, इम्प्लाइज वन है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को जीरो इज्जत। अब अपन लोग आ गए एक्स इक्वल टू जीरो तो मेरा मिनिमा आ रहा था लोकल मिनिमा, और वो लोकल मिनिमा की वैल्यू कितनी हो रही है तो जीरो ही हो रही है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो ही आ रही है। तो 0,0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, बस आई होप यही दिया गया है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए भी अगर बोल रहा है वो तो 1, जो भी आएगा वो 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। हाँ देखना शुरू करो। हाँ ना 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 सो एक हो जाएगा, तेरा कहाँ पे पॉजिटिव आया बेटा बता, एफ ऑफ वन बोल रही है तू या एफ ट्रिपल डैश वन? देख एफ डबल डैश वन तेरा जीरो आया था और एफ ट्रिपल डैश वन तेरा जो आ रहा है समथिंग पॉजिटिव, वो पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं करता, नॉट इक्वल टू जीरो आया तो पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन था। अगर वो इक्वल टू जीरो आता तो फोर्थ डिफरेंस निकालता मैं, ठीक है ना? फोर्थ डिफरेंस में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, या फिर अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, उसमें भी अगर जीरो आता तो फिफ्थ निकालता मैं। फिफ्थ में अगर नॉन जीरो आया तो इन्फ्लेक्शन ही तो नहीं, मतलब ऑड वाले में अगर नॉन जीरो आ रहा है तो इन्फ्लेक्शन रहता है, और इवन वाला तेरे को नेचर बताता है पॉजिटिव या नेगेटिव, पर तेरे को वहाँ तक जाना ही नहीं पड़ता है, तेरे को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन थर्ड वाले डिफरेंस में नॉन जीरो आ जाएगा, ठीक है। एक हाँ देख, तेरे लिए जीरो भी और वन भी टर्निंग पॉइंट होने चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तेरा स्लोप जीरो था, जीरो तो तेरा मिनिमा बन गया, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि पलटा, बट वन के ऊपर ऐसा पलटना चाहिए था, ऐसा वापस ऐसे उड़ गया, तो ये जीरो वाले पे पॉइंट ये मिनिमा हो रहा है, ये भाई अपना, ठीक है। यस एनी अब वो मुझे क्यों निकालना पड़ता है वो नहीं पता बच्चा, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, मुझे मेथड पता है, देर माइट बी सम एक्सप्लेनेशन समवेयर एंड अ वेरी सिंपल वन विच आई डू नॉट नो। ना 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 दे विल नेवर यानी वैसे ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट इलेवेंथ एक करोड़ जा सकते हैं, नहीं तुम्हारे को नहीं है, ठीक है। चलो गाइज आई होप ये एग्जाम्पल नंबर फोर आपको मिल चुका है क्या था। अब डायरेक्टली एक्सरसाइज पर आ जाते हैं अपन लोग। एक्सरसाइज वन, रेवा बेटा बंद कर दो। एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर वन एनी वन,
फील नहीं आया। रो जा देख, तेरा एफ डैश एक्स इतना आया था, 6x² - 42x + 36, इसको इक्वल टू जीरो करके एक्स की क्या क्या वैल्यू थी तेरी, एक्स इक्वल टू 6 और एक्स इक्वल टू 1। डबल डैश किया था क्या तूने बेटा? वो डबल डिफरेंशिएट करके नेचर देखना है ना, पहले फर्स्ट डिफरेंशिएट करके तेरे को टर्निंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, डबल डिफरेंशिएट करके वैल्यू डाल के तेरे को नेचर देखना है। जब तूने डबल डिफरेंशिएट किया इसको तो वो 12x - 42 हुआ। जब तू एक्स की वैल्यू 6 डाल रहा है इसके अंदर, मतलब एफ डबल डैश 6 डाल रहा है, आंसर तेरा पॉजिटिव आ रहा है। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, वो नहीं कर सकता है तू लोकल मिनिमा मैक्सिमा के लिए, ठीक है? नहीं तो वेट, उसमें डाल के तेरे को कौन सा कोऑर्डिनेट था वो पता चल जाता है, टर्निंग पॉइंट पर टोटल तरीके का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तेरे को। पर तेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है मिनिमा क्या है और मैक्सिमा क्या है, एक समझ जाओगे इसे, एक समझ, गिव मी अ मिनट गाइस। ये सॉरी, हाँ सुन देख, तू जो बोलना चाहता ना कि सर मैंने यहाँ से निकाल दिया 6 और 1, मैंने 6 की वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, कुछ आगे कितने आई थी वैल्यू 6 कॉमा माइनस चलिए 128 और 1 कॉमा जीरो, नहीं बेटा 1 कॉमा माइनस 3। अब देख तेरे को क्या लग रहा है, ये शायद से लोकल मैक्सिमा है, ये शायद से लोकल मिनिमा या उल्टा, बट वो वैसे नहीं रहेगा तेरे को, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का जो था तब के लिए ठीक है, बट तेरे को जब लोकल का पूछ रहा है ना तो व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू फाइंड द नेचर ओवर हियर ओनली। ये कहता था अपना एक सेकंड क्या, हाँ ये एक्स की वैल्यू 6 और 1, ठीक है? फिर तू डबल डिफरेंशिएट करेगा यहाँ पे, अब ये जो 6 वैल्यू है इसके अंदर डालेगा, तो एफ डबल डैश 6 डाला तो 48 - 42 = 6, तो अगर डबल डिफरेंशिएशन में ये तेरा जो था टर्निंग पॉइंट वो डाला, पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब हो गया है कि इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा विच इज विच यूर कॉलिंग मिनिमम विच फाइन। और एफ डबल डैश 1 डालूंगा अगर मैं तो वो कहता है 12 - 42 विच इज सम नेगेटिव नंबर -30, वो ठीक है, बट दैट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो देखिए 6 - 128 बना शायद तुम लोगों ने, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो रहा है, यहाँ पे लोकल मिनिमम वैल्यू -128 हो रही है, एंड 1 कॉमा कितना हो रहा था बच्चा लोग -3, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो रहा है जहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू -3 हो रही है, पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू शायद से -∞ है और मैक्सिमम वैल्यू +∞ है, बट ये लोकल वाले इसकी बात हुई है, ठीक है? सेकेंड सब पार्ट एनी वन, क्वेश्चन नंबर 2 एनी वन, यस वेट सॉरी, ए सॉरी सॉरी फर्स्ट और सेकेंड, नहीं फर्स्ट और सेकेंड है, यस वेट सॉरी, एक संग हाँ, वैसे ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वैसे ही बस उतना बेटा, ये ऐसा हो रहा था अपना, हाँ इसको इक्वल टू जीरो किया मैंने, 3 कॉमन निकला, x² - 2x + 1 = 0, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1 पे ही हो सकता था, बट मुझे पता नहीं पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा। एक सेकंड स्पर्श, ये देख बच्चा जो तू कर रहा था, अब देख यहाँ पे क्या हुआ ना, फंक्शन जो दिया था डिफरेंशिएट किया, जरा 3 × x - 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो एक्स की वैल्यू 1 हुई। अब तू क्या बोल रहा है, सर मैं एक्स की वैल्यू 1 यहाँ डाल तो देता हूँ, उससे आंसर मेरा 1 आ रहा है वैसे, बट अब तो तेरे को एक ही है तो कंपेयर करने के लिए पास है नहीं कि मिनिमा है या मैक्सिमा है उस जगह का, तो उसके लिए तेरे को नेचर अगर निकालना है तो तेरे को डबल डिफरेंशिएट किया तूने, एफ डबल डैश एक्स विच इज 6x - 6, अब एक्स की वैल्यू 1 डाला तूने, एफ डबल डैश 1 0 आ गया है तेरा, अब तेरे को क्योंकि ये 0 आ गया इसलिए एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालना पड़ा जिसकी वैल्यू 6 आ गई है, एफ ट्रिपल डैश 1 डाला जो कि अभी भी 6 है विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, तो देर इज नो लोकल मिनिमा नीदर एनी लोकल मैक्सिमा, ठीक है यहाँ तक? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रही थी जामदानी, ठीक है? हाँ बच्चा ठीक है फाइन, कोई और है एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 एनी वन, 3 का फर्स्ट सब पार्ट, 3 का फर्स्ट सब पार्ट, वेट फाइन देख, इसका मैक्सिमम 0 पे होगा और वो भी मिनिमा होगा फ्रॉम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इसका ग्राफ पता, बट नेवर माइंड। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x हुई बेटा,
हाँ ये जब जीरो किया तो एक्स की वैल्यू जीरो आई है। ए रेवा ध्यान दे, फोर्थ में उड़ गए थे वो, ओ सॉरी थर्ड का फर्स्ट एनी वन, सॉरी ठीक है ये हो गया है। फिर मैंने एफ डबल डैश एक्स निकाला बेटा तो वो टू आ गया है। एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू भी टू है जो कि पॉजिटिव है, तो जीरो पे क्या हो जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा रहने वाला था, किसका कदम जीरो की वैल्यू यहाँ डाला तो जीरो कॉमा जीरो इज अ लोकल मिनिमा, यानी यहाँ पे एट जीरो वैल्यू भी जीरो आ रही है, इट इज़ अ लोकल मिनिमा। वैसे वो ये फंक्शन का एक्चुअल मिनिमा भी है, ग्लोबल मिनिमा भी, बट उसको छोड़ मेरे को ग्राफ पता है इसलिए। सेकेंड सब पार्ट एनी वन, थर्ड सब पार्ट एनी वन, फोर्थ में बता रहा हूँ ठीक है। फोर्थ सब पार्ट बोल रही थी, फोर्थ क्वेश्चन बोल रही थी बेटा तू, फोर्थ सब पार्ट ना, हाँ चलो इसको डिफ्रेंशिएट किया हम लोगों ने, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स इक्व टू सिक्स कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्व टू जीरो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्व टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू वन होने वाली है उससे। ये शायद से अब भी जो तूने पूछी ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला वैसे ही दिख रहा है मुझे, बट ठीक है कोई नहीं। एफ डबल डैश एक्स निकाला बेटा अपन ने, ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेल्व और एफ डबल डैश वन की वैल्यू जीरो आ रही थी, तो मैंने थर्ड डिफ्रेंशिएट किया, थर्ड डिफ्रेंशिएट ट्वेल्व आया तो एफ ट्रिपल डैश वन इज इक्व टू ट्वेल्व विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो नो लोकल मिनिमा नो लोकल मैक्सिमा स्वाहा। फिफ्थ सब पार्ट एनी वन, यस क्या है बच्चा इक्वेशन को डिक्टेट करेगी प्लीज, देखो वैसे एक्स इक्व टू जीरो पर डिफाइंड नहीं है फंक्शन, ये ध्यान रख लो, दिया हुआ क्या वो एक्स इक्व टू ग्रेटर देन जीरो भी दिया तो और बढ़िया अपने लिए, कोई अपना लेस देन जीरो वाला जीरो बन रहा तो देखेंगे भी नहीं बोलो, ना 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 ना, एक मिनट रुक जा सुन, एक रुक 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 तू रुक तू सुन, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या होता है कि तेरे को जो इनपुट यानी डोमेन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसका कहीं से भी मतलब ये नहीं मिनिमा या मैक्सिमा, वो अपन डबल डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू डालते थे उससे जो आउटपुट आता था सूरजन बेबी अगर वो पॉजिटिव हो रहा है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा था, ठीक है ना। ये एक्स का पॉजिटिव या नेगेटिव में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे बात तेरा सुना नहीं मैं, तू जो भी होती एक मिनट हो जाटा। ये था बेटा अपना एफ ऑफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट अगर अपन ने किया तो वन बाई टू माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर, एलसीएम वेलसीएम वाला किया मैंने हरकत, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय टू एक्स स्क्वायर इज इक्व टू जीरो, मतलब एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्व टू जीरो, टू एक्स पर नीचे का था तो भेज दिया मैंने, तो एक्स की वैल्यू माइनस टू या फिर प्लस टू हो रही थी, बट माइनस टू का मेरे को काम ही नहीं है क्योंकि डोमेन मेरा ये है, ठीक है। अब मैंने डबल डिफ्रेंशिएट किया है तो वो जाएगा फोर बाय एक्स क्यूब और टू डालूंगा तो वो आने वाला है पॉजिटिव, मतलब एट एक्स इक्व टू टू पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी टू बाई टू प्लस टू बाई टू मतलब टू हो जाएगी, तो टू कॉमा टू इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी इनपुट टू डालने पे लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं टू आ रही है, समझे जी क्या हुई है पढ़ानू। हाँ रेबा तू क्या होती बच्चा, देखो देख देखो कन्फ्यूजन इन्फ्लेक्शन का बता दो, देखो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू जीरो तक समझता है, सेकंड डिफ्रेंसिएशन डालने पे पॉजिटिव आए तो मिनिमा, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा, तेको पता है जीरो अगर आएगा तो तेरे एज में हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनने वाला है, बट तू वहीं पर डायरेक्टली लिख देगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तेरा एटलीस्ट एक मार्क कटना चाहिए। तब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन प्रूफ करने के लिए क्या करना, ट्रिपल डिफ्रेंशिएट करना और वैल्यू डालना जो तूने डाली थी ना ऊपर वो वाली वैल्यू डालना और दिखा देना कि अब जीरो नहीं आ रहा है, और अगर अब जीरो नहीं आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा ये, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी क्या हो गया सुरजन बेबी को, इतना टेंशन में क्यों है अपन आज, पागल है क्या, ब्रेकअप छोड़ देता मेरा ओए, क्यों तो मना लेती हो मुझे ऐसा है ना सुरजन, नहीं मनाती हो वो भी सही है भाई, आई कैन फील यू बेटा बीन देयर भाई, ये बढ़िया है भाई, सही है अच्छा है भाई। चलो सिक्स अपार्ट एनी, यस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू, पहले तो एक सेकंड क्या मैं क्वेश्चन पठानू से पूछ रहा हूँ, पठानू इसको डिफ्रेंशिएट करना आएगा, देखो आया ना, हाँ तेरे को डिफ्रेंशिएट करना है इसको, हाँ तूने क्या बोली बोल,
तूने क्वेश्चन रूल लगाई है वो भी सही है, और तूने चेन रूल लगाई वो भी सही है। तुम कोई भी रूल लगाओ चलता है, मैं चेन रूल लगा रहा हूँ। मैं ये पूरे को मान रहा हूँ टी, वन बाई टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता था बेटा, माइनस वन बाय टी का स्क्वायर। तूने आज होमवर्क किया है क्या? हाँ, तो ध्यान देना, बहुत कम बारी होती है जब तू करके आता होमवर्क, तो ध्यान दे दिया करना तब। तू आज और कल ही किया था बेटा, अरे झूठे। तो फिर आज और कल कैसे बोल रहा तू? सही है। और जिसको टीम आया तो उसका डिफ्रेंसिएशन ये हो गया, इसको इक्वल टू जीरो अगर करूँगा मैं तो ये एक्स की वैल्यू जीरो पे ही पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, देखो वैसे बेसिकली मेरा एफ डैश एक्स ढंग से वैल्यू लिख रहा हूँ अभी के लिए मैं, इस माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। अब मेरे को डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है इसको। अब एक सेकंड रुक जा, क्या नाम मैं भूल गया भाई, निधि। हाँ, अब कैसे करेगी यहाँ पे, अब क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। हाँ, अब क्वेश्चन रूल लगेगा, अब वो नहीं लगेगा चेन रूल तेरा। ठीक है ना, तो देख पहले तो माइनस टू तो मेरा कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर रखा है मैंने, तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना था, तो यू बाई वी था, तो वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू। अब इसका डिफ्रेंसिएशन बेटा क्या हो जाएगा मेरा, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू टू एक्स द होल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली बन क्या रहा था, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू टू द फोर, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू द होल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू की पावर फोर। कुछ बच्चे बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू कॉमन निकल के ऊपर नीचे काट दो, मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही है बट मेरे को आलस आ रहा है। क्यों? अबे करना क्या है, एक्स वैल्यू जीरो डालना है ना, डालो खत्म करो। ठीक है, देखो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी हो जा रही है मेरी, माइनस टू तो था ही, देखो टू का स्क्वायर बन गया मेरा फोर, माइनस फोर इंटू जीरो किस्सा ही खत्म, अपॉन टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस टू हो गया सिक्स, सिक्स की पावर हो गई फोर। सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी निकालने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव देखना था अपने को। सर ये आ गया नेगेटिव, तो एट जीरो तुम्हें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, तो वो हो जाएगा जीरो कॉमा वन बाई टू, दैट इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वेयर वन बाई टू इज द मैक्सिमम वैल्यू विच यू आर गेटिंग वेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। समझा भाई, भाई नहीं बहन। देख सुन सुन सुन, अपना जो ए कॉमा बी रहता है ना, दिस इज कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द पॉइंट, हाँ, जिसमें ये इनपुट होता है और ये तेरा मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये डालने पे, ए डालने पे क्या वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तूने नाइन टेंथ कहाँ से किया? चल नाइन तो किसी ने नहीं किया, तूने टू नागपुर की नहीं है क्या, कहाँ किया तू? ब्रह्म, तो स्टेट बोर्ड से कैसे आ गई तू यहाँ पे, पैसे के लिए क्या? स्टेट बोर्ड से सी बी एस ई में कैसे शिफ्ट होते हैं? नहीं, ब्रह्मपुरी लाइक आई नो ब्रह्मपुरी वर्षा के बाजू में है, वर्षा में हमारा पावर प्लांट है क्योंकि। नहीं नहीं नहीं, कोई खरीदना चाहेगा क्या बोलो, कोई खरीदना चाहेगा क्या, तुम बस बोलो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पापा से बात करूँगा, मैं सौ रुपये दूंगा तुम्हारे को, उसके बाद तुम खरीद लो, एक काम करो ऐसे को फ्री में मैं खरीद देता हूँ, कोई लेना चाहेगा क्या हमसे? हाँ बोलो भाई, कर जाए उस पर हमारे पे बहुत, तुमको क्या लगता है ऐसे गरीब सामान क्यों घूमते हम लोग उसी कारण से। चलो हो गया बेटा, ये हमारे पावर प्लांट पर कई बार लाइट नहीं रहती, तुम सोचो, एंड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वही हमारे पास नहीं रहती कई बार, नहीं बरसा बरसा एग्जैक्ट बरसा में। ब्रह्मपुरी में आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड सौरभ संगमवार करके एक है, तो संगमवार डाट का नाम शायद विनोद है, वो विनोद नहीं, ध्यान नहीं मुझे, तो ही इज़ पॉलिटिकल ब्रोकर टाइप, नॉट अ पॉलिटिशियन, ऑन पेपर इज़ अ फार्मर, वैसे रियल लाइफ में इज़ अ पॉलिटिकल ब्रोकर, तो दोनों जगह से कमा रहे अंकल भका भक। नहीं मैं नागपुर का ही हूँ, तो हमारा पावर प्लांट था और मेरा रूममेट जो था वो ब्रह्मपुरी का था, इसलिए आई नो अ लॉट अबाउट इट, आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स। हाँ गुंडे हो गए मेरे को लगता है। चलो ओए गाइस, सेवन सब पार्ट एनी वन? ये हाय, यस हाँ, सेवन सब पार्ट एनी वन? नहीं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस।
अरे मुझे पता था सेवन चप्पट होमवर्क था। मुझे लगा फोर्थ बोल रहे हो। नहीं सो गाइस अपना कहाँ तक के हो गया था कल? फोर्थ तक के हो गया था। अब देखो नाउ, अब एक चीज ध्यान रखना, तुम लोगों से अभी तक क्या चल रहा था सिचुएशन, सर अपने को लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा चाहिए था, उसमें अपने को डोमेन अगर थी कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो टाइप क्यूटी क्यूटी, तो बस पॉजिटिव नंबर देख रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है तो माइनस वन से लेके टू, तो जो जो एक्स की वैल्यूज माइनस वन से लेके टू में फंसेगी वही निकालूंगा मैं लोकल मिनिमा मैक्सिमा के लिए। बट अब उसने एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा भी पूछा है, तो देखो मेरे को टर्निंग पॉइंट्स पर निकालना पड़ेगा जहाँ से मैं क्या निकाल रहा था, मेरा लोकल्स भी निकाला था और साथ ही साथ में इंटरवल यानी माइनस वन की वैल्यू भी और टू की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो मतलब क्या, तो देखो एक मैं करके दिखा देता हूँ, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, 12x³ - 12x² ठीक है, इसको इक्वल टू जीरो करना पड़ता था मुझे, 12x² कॉमन निकला, x - 1 = 0, तो एक्स की वैल्यू या तो जीरो हो रही थी या तो वन हो रही थी। फॉर्चुनेटली या रादर आई शुड से अनफॉर्चुनेटली कोई एक्स मेरा कैंसिल आउट नहीं हो कि सर ये तो मेरे इंटरवल में ही नहीं है, दोनों पे देखना पड़ जाएगा मुझे, ठीक है। तो मैंने एफ डबल डैश एक्स निकाला तो वो कितना जाएगा, 36x² - 24x। अब देखो एफ डबल डैश जीरो, अब देखो अब मैं चेक कर रहा हूँ ठीक है, तो जीरो आ रहा है। अब देखो डबल डिफरेंस क्योंकि जीरो आया है तो मैं ट्रिपल डिफरेंस निकालूंगा अभी के लिए, एफ ट्रिपल डैश एक्स 72x - 24 एंड एफ ट्रिपल डैश जीरो इज नॉट कमिंग आउट जीरो, 74 × 0 = 24 - 24 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाइज जीरो कॉमा, यहाँ पे एक्स वैल्यू जीरो डालना पड़ता है जीरो, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, कोई ओह सॉरी सॉरी मैंने ये नहीं देखा था, 0.5 मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, वो फुद्दू कटाया मेरा उसने, तो कोई काम का नहीं निकला मेरा। फिर मैंने एफ डबल डैश वन वैल्यू निकाल के देखा, वो मेरी आ रही थी पॉजिटिव, 36 - 24 = 12 विच इज पॉजिटिव, तो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वन पे मुझे मिलेगा कुछ मिनिमम वैल्यू, ये रहेगी मेरी लोकल मिनिमम वैल्यू। तब देखो वो कितनी हो रही है, 1.8 - 4 ठीक है, तो वन पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 4, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है अभी के लिए, लोकल मिनिमम वैल्यू 4। अब देखो मेरा यहाँ तक ही ख़त्म हो गया क्वेश्चन, यहाँ तक तो आप लोगों को आता भी था। अब मुझे जब वो एब्सोल्यूट बोल रहा है तो देखो एक मेरे पास में ना ये वैल्यू चल रही है मोहल्ले की, अब मुझे एफ ऑफ माइनस वन भी निकालना पड़ेगा एंड एफ ऑफ टू, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों निकालने पड़ेंगे। तो एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, तो 3 + 4 + 5 कितना होता है, 3 + 4 + 5 होता है 12, तो एक वैल्यू हो गई माइनस वन पे 12 की वैल्यू आ रही है, और एफ ऑफ टू में कितनी हो रही है मेरी, 2 × 4 = 16 - 16 = 48 - 2 × 4 = 8 + 5 = 16 + 5 = 21 तो 2, 21। तो देखो मेरा मैक्सिमा वैल्यू कितना आ चुका है अभी के लिए, 4, 12 और 21 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो रही है, 21। तो मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो रहा है 21 एंड एब्सोल्यूट मिनिमा हो रहा है 4। समझा जी क्या हुआ है, देखो यहाँ तक के तो पहले सही था, पर जैसे आपको एब्सोल्यूट या ग्लोबल वाले की बात हो गई और अगर उसने इंटरवल दिया हुआ रहे तो इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी आपको चेक करना पड़ जाएगा। समझा जी क्या हुई है गाइस, फटाक से करना इसको चीज़ को, ठीक है ना।
ब्लैक में जो लिखा है वो टिक, तूने लोकल निकाल दिया। याद कैसे पिछली एक्सरसाइज में अपन लोग एब्सोल्यूट की बात कर रहे थे, तो देखो क्या होता है, टर्निंग पॉइंट्स पे भी देखने वाले और एंड पॉइंट्स पे भी देखने वाले अपन लोग। तो देखो अब इसने इंटरवल मुझे दिया हुआ था माइनस वन से लेके टू, तो स्टार्टिंग यानी माइनस वन पे भी मुझे चेक करना पड़ेगा वैल्यू और टू पे भी चेक करना पड़ेगा मुझे। इसमें सोचा तू ब्लैक से यानी ये इसकी बात कर रहा है सॉरी हाँ। तो देख पहले तो क्या हुआ, मैंने एफ ऑफ वन पे चेक किया, आउटपुट मेरा आ गया पॉजिटिव, तो वन पे जो भी वैल्यू दे रहा है वो मेरा मिनिमम वैल्यू रहेगा वहाँ का, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने एंड पॉइंट चेक किया माइनस वन और टू, वो बेटा ये वाले फंक्शन में डाला मैंने ओरिजिनल पे, ये फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन में डालना पड़ता है देखो कर्व देखने के लिए, समझा बेटा। एक समझ आ क्या, हाँ भाई बहन मैंने वैल्यू ऑफ मिनिमा 4 निकाल ली है। हाँ तूने वैल्यू ऑफ मिनिमा 4 निकाल चुकी है, फिर तू अब सब वैल्यूज निकाल ले जो जो टर्निंग पॉइंट्स एंड पॉइंट्स पे थे। तो देख तेरे क्या क्या आ रहा है, एक का आउटपुट आ रहा है ये देखिए 4 तो तू निकाल चुकी थी, एक 12 आ रहा है, एक 21 आ रहा है, हाँ सब सब हाँ यस। तो देख अब इनमें सबसे कम वैल्यू तेरी 4 हुई है, तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये y y की वैल्यू, y के इनको नहीं देखना है अब तेरे को, इनको नहीं देखना है। तो फोर बेटा देख ये तो तेरा इससे ये आया था तेरे को पता है, एंड पॉइंट तेरा माइनस वन उससे आउटपुट तेरा 12 आया है और एक तेरा एंड पॉइंट तेरा 2 उससे आउटपुट तेरा 21 आया है। तो इससे क्या हुआ बच्चा, अब ये तीन वैल्यू से चेक कर रहा हूँ, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 4, तो वो एब्सोल्यूट हाँ, और यहाँ पे इन तीनों में सबसे बड़ी वाली कौन सी हो गई है, तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। पर सर वो बेटा तो ये मिनिमा के लिए निकली थी ना तेरी, खत्म हो गया तो उससे तेरा मिनिमा वैल्यू आ भी तो गई, एब्सोल्यूट मिनिमा भी वही निकल गई, लोकल नहीं वो एब्सोल्यूट भी निकल गई। और यहाँ पे जो तूने डाली थी इसमें से नहीं नहीं इसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं, इससे तेरे को पूरा ओवरऑल का चलेगा तेरे को, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो, मेरे को ये समझ में नहीं आया, अपन ने जो माइनस वन और जो टू की वैल्यू थी हाँ उसको डबल डैश में क्यों डाला अपन, अपन डबल डैश में नहीं डाले बेटा, तो फंक्शन में डाले मेरे भाई, ये वैल्यूज को इसमें ही डाला है अपन लोगों ने, ठीक है। और बस ना पढ़ ले अभी, चलो ओए गाइस इधर एग्जांपल नंबर 5। अब गाइस ओए 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 सी दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल आई वुड से डिफिकल्ट बट ट्रिकी इन द लैंग्वेज और एटलीस्ट ट्रिकी फॉर मी, मेरे इंग्लिश की थोड़ी वीक थी। शो दैट यहाँ का लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम से कम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ आ रहा है कुछ, रुक जाओ जिनको समझ आ रहा है बढ़िया, मेरे को नहीं आया था, मैं जनरली बता रहा हूँ ठीक है ना। आई रिमेंबर डूइंग दिस क्वेश्चन बैक एज अ स्टूडेंट ऑल्सो,
ठीक है, मैं एक बार सॉल्व करके बताता हूँ, फिर ग्राफ दिखाता हूँ, फिर ग्राफ से समझाता हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो पहले अपन ने इसको किया डिफरेंशिएट फंक्शन को, अपन ने को कुछ मेरे को एटलीस्ट मेरे को कुछ ज़्यादा समझा नहीं था, मैंने पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा उसकी वैल्यूज निकालने की कोशिश किया। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर, इसको मैं इक्वल टू 0 करूँगा तो वो हो जाएगा x²-1/x² = 0, मतलब x+1 × x-1/x² = 0, तो x की वैल्यू या तो 1 या तो -1। अब मैंने एफ डबल डैश एक्स किया तो आंसर आ जाएगा 2 बाय x³। तो देखो एफ डबल डैश 1 2/1³, मतलब 2 आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो 1 पे मुझे मिलेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। एफ डबल डैश -1 आ रहा है मेरा निगेटिव, तो वहाँ पे मिलेगा मुझे -1 पे मिल जाएगा मुझे मैक्सिमा। ठीक है, ये तो ठीक है, उनकी वैल्यूज़ में निकाल लेते हैं। अब देखो मेरी मिनिमम वैल्यू, अब देखो 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 थोड़ी चीज़ें हो रही है क्रेजी, तुम्हारी मिनिमम वैल्यू 1 पे आने वाली थी जो कि 1 पे आ रही है तुम्हारी 1,2, ये तुम्हारी कितनी 2 तुम्हारी क्या हो चुकी है मिनिमम वैल्यू, और तुम लोगों की मैक्सिमम वैल्यू काहे पे आ रही थी -1 पे कितनी आ रही है -2, -2 तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू। अब सुनो, मैं अगर तुमको ऐसा बोलूं कि मेरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू -2 है, तुमको ये लगेगा मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। सर मिनिमम वैल्यू तो कम होनी चाहिए ना, मैं बोल रहा हूँ मेरी मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू -2 है, तुमको ये लगेगा मैंने उल्टा बोल दिया है या कुछ गलत किया है, करेक्ट? तो अब सुनो, मैं बोल एक चीज़ गलत रहा हूँ, बताओ मुझे। हाँ, ये मेरी मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये मेरी लोकल मिनिमम वैल्यू है और ये मेरी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। मुझे यही शो करना था कि मेरी लोकल मिनिमम वैल्यू भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है, तो पर ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? तो सब ग्राफ देखो, x+1/x इफ आई एम नॉट रॉन्ग, x+1/x, ये देखिए ये यहाँ का लोकल मैक्सिमम वैल्यू हुआ और ये लोकल मिनिमम वैल्यू हुआ। देख लो मिनिमम वैल्यू अभी भी ज़्यादा है यहाँ के मैक्सिमम वैल्यू से, समझा चीज़ क्या हो रहा है? तो अब देखो क्वेश्चन में वो यही तुम बोल रहा था आपको शो करने के लिए कि आप लोगों की लोकल मिनिमम वैल्यू भी लोकल मैक्सिमम से ज़्यादा है, समझा ये चीज़ क्या हुआ है? पक्का एक सर क्या, हाँ बता क्या होता है? नहीं, तो बिना ग्राफ के तेरे को, ग्राफ तो तेरे को समझाने के लिए किया मैंने, मैथमेटिकली तूने दिखा दिया, काम खत्म। ठीक है, देख तू एक काम कर, तू टर्निंग पॉइंट निकाल, उसका फिर नेचर निकाल ले कौन सी मिनिमम वैल्यू कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है लोकल, हाँ, और उसके बाद में वो मिनिमम पॉइंट जो था उस पर मिनिमम वैल्यू निकाल, लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू उतना निकाल, से मैं तेरे को बताता हूँ। ठीक है, अच्छा कुछ बोल रहा था बेटा तू, रुक जाओ पास कर दे, तू एक काम कर, जो तेरे ऐसे डाउट्स है वो पूरे मार्क कर करके ना करते जा, और तू 10 बजे आने वाला था आज, वो तो नींद ही नहीं खुली, हाँ वो मुझे पता है, रात को फ़ोन ही नहीं छूटता अपना, नहीं नेवर। देखो जस्ट से अ रैंडम क्वेश्चन असर्शन रीजन कैन कम अप दिस वे, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ लोकल मिनिमम वैल्यू विच इज़ ग्रेटर दैन लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ट्रू, कुछ रीज़न कुछ भी दे दे, बट सुनो अगर ऐसा आ जाए, इट इज़ पॉसिबल टू हैव एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू लेसर दैन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू लेसर दैन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, तो नो, लोकल हो सकती है, ग्लोबल या एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। नहीं नहीं मोस्टली एंड पॉइंट्स नहीं आता, ऐसा जरूरी नहीं आता बेटा, ग्लोबल में तेरी यहाँ वाले फंक्शन में माइनस इन्फिनिटी आ रही है और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आ रही है बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो उसके ऊपर ऐसे ऐसे, तू तो बोला तो जब मम्मी पापा आएगा तो कंप्लेन करेगा, जब यहाँ पे मिलने मम्मी पापा आएगा तब, है ना? कर लेना बेटा पढ़ाई थोड़ी सी। स्टेशनरी पॉइंट टर्निंग पॉइंट बताता हूँ, हाँ
एक्सट्रीम तो कल क्या 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 एक्सट्रीमम नहीं, एक्सट्रीमम तो एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है ना, मुझे नहीं पता भाई ये वर्ड पहले से। हाँ ठीक है, एक्सट्रीमम मैंने जहाँ पे एक्सट्रीम्स रह गए हैं टर्निंग पॉइंट था। बच्चा लोग प्लीज शांत, वैसे 10 है बेटा, आज पूरे नहीं हो गए अपने, बट कल ये हो के अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। सॉरी क्या डा, आज जितने हो गए 15 मिनट में अपने, दो और होने चाहिए अपने मिनिमम। हाँ नहीं डिलेट, समझ आया क्या शुक्ला, समझ आया? देखो अपन भी तो निकाले ना बच्चा, और उसमें नहीं ओरिजिनल फंक्शन में अपन ने भी निकाले, अपन ने वन डाल रहे एक्स वैल्यू वन ये यहाँ पे, तो वन प्लस वन अपन वन वन ही हो, वन प्लस वन हो गया टू। चलो हो गया गाइस। हाँ ये से अब देखता हूँ, देख अब तेरा क्या हुआ, तेरा लोकल मिनिमम वैल्यू टू आ गया, वही आया तेरा भी, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू माइनस टू आ गया। तो देख लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम से ज़्यादा है, मिनिमम तो कम होनी चाहिए ना, बट लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। चलो अभी एग्जांपल नंबर 7, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर उसने ये नहीं भी दिया होता तो भी हमें पता था एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होनी पड़ेगी। चलिए कुछ नहीं, पहला सिंगल डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन उसकी वैल्यू डाल के अपने को मिलना, नेचर मिलना शुरू हो जाएगा। लॉग एक्स अपॉन एक्स था मेरा फंक्शन, डिफ्रेंशिएट किया x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन द होल ओवर डिनोमीटर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल्स टू लॉग एक्स हो रहा है उस कारण से, ठीक है। अब देखो तो x की वैल्यू तुम्हारी e के बराबर आ जाएगी, तो कैसे, देखो लॉग एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये e की पावर 1, तो एक्स वैल्यू e आ गई है। अब तुम लोगों ने डबल डिफ्रेंशिएट किया, इस चीज़ को डबल डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स, माइनस ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x द होल ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, खोला पीली बाद में कर लूँगा मैं, छोटे के ये तो कट रहा है मेरा तो काट लिया मैंने, तो माइनस एक्स जो भी हो रहा है उससे। अब देखो मैं x की जगह पे e की वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो एफ डबल डैश ई, चलो एक काम करते खोल लेते थोड़ा सा अच्छा लिखेगा वो, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x लॉग एक्स द होल ओवर x की पावर 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2x लॉग x अपॉन x की पावर 4, एक x कॉमन निकले काट भी दिया मैंने, तो माइनस 3 प्लस 2 लॉग x द होल ओवर x क्यूब। अब देखो f डबल डैश e मतलब e की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ मैं, तो माइनस 3 प्लस 2 लॉग e की वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है, द होल ओवर e का क्यूब, 2 माइनस हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ई क्यू, ई खुद पॉजिटिव नंबर है तो ये भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट इसके कारण वो नेगेटिव हो जाएगा, तो विच इज नेगेटिव इम्प्लाइज एट एक्स इक्वल टू ई इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो एक्स इक्वल टू ई वहाँ पर डालूंगा, तो लॉग ई अपॉन ई हो जाएगा, मेरा फंक्शन की वैल्यू एट ई हो जाएगी लॉग ई अपॉन ई, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है 1 अपॉन ई,
तुम्हारी मैक्सिमा कब क्या आ रही है, वन अपॉन ई, कितने पे आ रही है, तो ई पे आ रही है, तो हेंस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज ई कॉमा वन अपॉन ई, समझा, मैक्सिमा वैल्यू पूछा है उसने तो वन अपॉन ई है, फेयर इनफ। ये फट से कर लो बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन था, इतना कोई स्ट्रेसफुल नहीं था। हाँ नहीं, मिनिमा नहीं पूछा था, वहाँ पे देखो, हाँ वो है ही नहीं तरह, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो रहा है बेसिकली, वैसे माइनस इनफाइनाइट नहीं, जो भी छोड़ो। सब सब पूछ सकता था, यस। ये बाद वाला थोड़ा बोर सा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, बट ठीक है, अब है तो है। उसी का पहले नाइन्थ वाला कर लेंगे अपन लोग, ठीक है ना, एथ का पहले नाइन्थ वाला कर लेंगे। मेरा सोल्यूशन ये बार, ये क्वेश्चन ये एक बार ये पढ़ मैसेज, और मुझे बता, मुझे फ़नी लगा कुछ, तुझे लग रहा है क्या? बस 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 रखे मैं, हाँ वही, इट्स लाइक यू रिक्वायर मैथमेटिक्स टीचर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। एग्जांपल दे रहा तुझे, नहीं 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 ऐसे होम ट्यूशन चाहिए उनको, उनके बच्चे के लिए ऐसा है। होम ट्यूटर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स होना चाहिए होगा लगता है, ऐसा कोई नहीं मांगता मुझे इंग्लिश स्पीकिंग टीचर चाहिए साइंस के लिए। अबे साइंस अगर पढ़ाना है उसको तो इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा ना, हिंदी में थोड़ी पढ़ा सकती हूँ। पढ़ाना समझाना अलग है, बट जब करवाना तो हमको इंग्लिश में करवाना पड़ता ना भाई। मेरे को मैंने हैरी पॉटर की नॉवल नहीं लिखनी है बैठ के, इतनी अच्छी इंग्लिश, मेरे को बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, वैसा रहता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, उतनी तो आ ही जाती है। चलो हुआ क्या भाई लोग? चलो अब ओए ये इस पे आ जाओ, एग्जांपल नंबर नाइन पे अब, ठीक है। उसे कुछ मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन अपॉन एक्स द होल पावर एक्स बोला है ना। हाँ देखो अभी क्या इसका मतलब, वन की पावर एक्स अपॉन एक्स की पावर एक्स हो जाएगा।
हाँ ये सब करने के बाद में आप चाहोगे तो इसको इक्वल टू वाई था, ठीक है, तुमको पहले डिफरेंशिएशन निकालना है बेसिकली, ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस एक्स हो रहा है, फेयर। अब देखो मैंने लॉग लिया दोनों जगह पे, लॉग वाई इज माइनस एक्स, लॉग एक्स हो रहा है, अब तुमने जब डिफरेंशिएट करोगे तो वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस तो बाहर आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स डिफरेंशिएट होगा एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वन, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई, वन प्लस लॉग एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ वाई की वैल्यू कहती वन बाय एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, करेक्ट। अब सुनो इसको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा मुझे डिफरेंशिएशन को, एक्स की पावर एक्स विल नेवर बी जीरो क्योंकि एक्स को सपोज टू बी ग्रेटर देन जीरो, तभी तुम्हारा लॉग डिफाइन होता था, तो वो तो जीरो कभी होने से रहा नहीं। अब इसके बाद में ये ही जीरो होगा, वो कब जीरो होगा, वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स की वाली जगह ई की पावर माइनस वन विच इज़ वन बाय ई, यहाँ तक के हो गया है। अब देखो परेशानी यहाँ तक की नहीं थी मेरी, परेशानी अब है जो तुमको नेक्स्ट एक्सरसाइज में और आने लिए, क्या नेचर ढूंढना। नेचर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये तो मेरा एफ डैश एक्स आया था, अब मुझे एफ डबल डैश एक्स चाहिए, तो माइनस तो मैंने निकाल दिया है बाहर, तो देखो अभी पहला वाला इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला वाला, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाय एक्स की पावर एक्स की वैल्यू तुमने निकाली हुई है ना पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी यानी इनटू माइनस वन बाय एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। अब देखो हर एक्स जगह पे वन अपॉन ई डालना पड़ेगा तुम लोगों को, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाय ई की पावर वन बाय ई इंटू वन बाय ई प्लस, देखो वन प्लस लॉग एक्स है तो वन प्लस लॉग वन बाय ई, लॉग वन बाय ई का मतलब क्या होता है जस्ट तुमको दिखा दे रहा हूँ मैं, तो तुम लोग आगे का कुछ करोगे ही नहीं, लॉग वन बाय ई मतलब होता है माइनस ऑफ लॉग ई, मतलब माइनस वन हो जाएगा, वन माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो डायरेक्टली तुमने वहाँ पे लिखा प्लस जीरो इंटू जो भी चोपला बना था वो, तो आंसर ये तो जीरो हो गया, तो आंसर क्या माइनस ऑफ वन बाय ई की पावर वन बाय ई इंटू वन बाय ई, जो कि भले ऊपर जाके ई हो रहा होगा, पर ये देखो ये सब क्यूटी क्यूटी क्या है पॉजिटिव है, ये इंटू माइनस है, तो एफ डबल डैश वन बाय ई तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, तो एट वन बाय ई तुमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तुमसे उसने पूछा नहीं है कितनी मिलेगी, तुमसे बस इतना बोल रहा है कि बता दो, अच्छा नहीं मैक्सिमम वैल्यू भी बोल रहा है तो तेरी दी छोड़ो। तो देखो अब हर एक जगह पे ये तुमको ये मिल गया है इम्प्लाइज वन बाय ई पे मैक्सिमम वैल्यू, अब वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है ये देखो अभी वाई मेरा था वन बाय एक्स की द होल पावर एक्स, मतलब वन बाय ई द होल पावर वन बाय ई, मतलब ई की पावर वन बाय ई, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सुनो एक और बार, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ लिटिल बोरिंग। एक सेकंड क्या लोग, चलो एक बार करना शुरू करो, कॉल आ रहा है, एक सेकंड दो क्या, हाँ शेखर भैया, हाँ एक मिनट भैया मैं आ रहा हूँ, के बाद एक मिनट, हाँ एक सेकंड सॉरी, देखिए 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 देख लीजिए एक सेकंड, देखो डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग वॉग लेना पड़ेगा, तो उसको फॉर्मेट में ला के लॉग लेकर डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करना है, वो आ गया आपको वन बाई ई तक के इशू नहीं। डबल डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो माइनस तो भाई रखा मैंने, वन बाई एक्स की पावर एक्स तो ठीक है, इंटू वन प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन भी ठीक है, प्लस वन प्लस लॉग एक्स इंटू वन बाई एक्स की पावर एक्स, बेटा वन बाई एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ही तो ये था अपना, तो वो चिपका देना वहाँ पे और फिर आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है कहीं एक बार करो ये फट से ख़त्म करो, मैं एक मिनट मारूँ। Gracias.
आज है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये सैटरडे को स्कूल है किसी की भी है? गुड, जाओ जाओ जाओ। अपनी नहीं है जो भी, नहीं 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 होगा तो भी। हाँ तो रक्षाबंधन के दिन कितनी रक्षा करना है तेरे को? ओ भाई दिवाली के दिन भी होती है क्लासेस। हाँ बस अलग ही क्वेश्चन आया एकदम से, रक्षाबंधन की क्लास होंगी क्या? हट पगली, कोई नहीं, सब भाइयों को लेके बैठना यहाँ पे। सही में नहीं, शायद से तो खत्म हो जाए होपफुली। तुम लोगों के एक आधा भी दिन ऐसा रहा कि वीपीएन नहीं है और तुमको पहले से अगर पता है तो मुझे प्लीज़ बता देना एक बार के लिए, ठीक है ना? जो भी वीपीएन वाले बच्चे हैं, ठीक है लाहौटी? हाँ मुझे पता है। अच्छा नहीं, ये सर थोड़ी छोड़ेगा, कृष्णकांत सर। हाँ वही, उनका ही बच्चा बोलते हैं बेटा। थोड़ा क्विकली कर लो प्लीज, बेटा इन लोगों को दो चैप्टर्स और है। बेटा देख होने क्या वाला है ना, और माही फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि चलो ठीक है तुमको छः ही आ रहे हैं, अपन तुम लोगों का छः करके तुमको छुट्टी देते जब मैं इनको दो पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जो मैं करने नहीं वाला हूँ, ठीक है? फिर ऐसा होगा करके जैसे ही इनके हो गए खत्म, इनके पेपर शुरू हो गए 11 सितंबर ना, 11 से कब तक क्या चल रहा है, 25, 11 से 25 ये लोग रहेंगे बिजी, फिर ये लोग 25 से आना शुरू हो गए, जब तुम लोग हो जाओगे बिजी तुम्हारे एग्ज़ाम के, तुम्हारे भी चलेंगे 15 तक के, 15 अक्टूबर तक के, तब तक के कोई क्लासेस ही नहीं हो पाएंगी अपनी। तब मेजरली ये चलेगा कि तब ये जब छुट्टी पर जा रहे तब बीवीएम वालों का रिविजन चल रहा है, और फिर जब तुम लोग आओगे वापस तब इन लोगों, जब तुम लोग जाओगे और ये लोग आएंगे तब सॉर्ट ऑफ छुट्टी ही चलेगी इन लोगों की। तुम लोगों को रिविजन अच्छा मिल जाएगा, इनको रिविजन नहीं मिल पाएगा सेंटर पॉइंटर्स को, क्योंकि दो चैप्टर एक्स्ट्रा भी है प्लस ये भी, बट उसमें रिविजन में भी ऐसा नहीं होगा कि तुमको हर एक चीज़ स्क्रैच से पढ़ाई जा रही है, यू विल हैव टू डू मैक्सिमम ऑफ इट। और प्लस उस समय पे फिर ये चलता है कि हमारी टेस्ट सीरीज फॉर 9th 10th वाली चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि 11th 12th से हमको फ्री हो जाते हैं हम लोग, तो तब तुम लोगों को अगेन सॉर्ट ऑफ बस तुम लोग अपने क्वेरीज के लिए आ रहे हो, तुमको समझाया जा रहा है, तुम जा रहे हो, प्लस कुछ रिविजन चलेगा कुछ चैप्टर्स का, जैसे मेरे को ये एक वो कौन सा बोला था, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी साइड, जो छुटकर फुटकर चैप्टर जो है, जो एक सेशन में एक टॉपिक समझा सकता तुम लोगों को, तो वैसी चीज़ें चलते रहेगी तुम लोगों की। हाँ ये बोल रहा था मुझे, हाँ गुड, वो वैसे इजी है बेटा, जिनका हो गया है दे कैन लीव बट जस्ट लिसन। आप लोगों को ये जो लास्ट क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज का, गाइस जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस हैज बीन डन अर्लियर इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन, मिनिमा और मैक्सिमा दिया गया है, मतलब वो कहाँ के पॉइंट्स हो गए, वो टर्निंग पॉइंट्स हो गए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल से, कल ये एक्सरसाइज खत्म करके नई एक्सरसाइज अपन शुरू कर चुके होंगे, ठीक है ना? चलिए बाय गाइस।